हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों, बॉलीवुड में इस वक्त कई शानदार फिल्में रिलीज के लिए इंतजार कर रही हैं और इस क्रिसमस के मौके पर कई दमदार भिड़ंत भी देखने को मिलने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले रोहित शेट्टी ने अपनी रणवीर सिंह एक्टेड फिल्म सर्कस की रिलीज की अनाउंसमेंट की और कहा कि फिल्म 23 दिसंबर 2022 को क्रिसमस से ठीक पहले बड़े पर्दे पर आएगी। दिलचस्प बात यह है कि सर्कस ने क्रिसमस वीकेंड को रिलीज करने के लिए चुना है। अब इसका मतलब है कि बॉक्स ऑफिस पर क्रिसमस 2022 में तीन तरफा भिड़ंत देखने को मिलेगी। कैटरीना कैफ विजय सेतुपति स्टारर फिल्म मैरी क्रिसमस और टाइगर श्रॉफ कृति सेनन स्टारर फिल्म गणपत पार्ट वन और तीसरी फिल्म है सर्कस। यानी 23 दिसंबर 2022 को अपनी रिलीज की तारीख के लिए बहुत सी फिल्में एक दूसरे से क्लैश करने वाली हैं। इसका मतलब है कि इस क्रिसमस पर अलग अलग जॉनर की तीन फिल्में दर्शकों का ध्यान खींचने की होड़ में होंगी। इंडस्ट्री के एक सूत्र ने बताया 23 दिसंबर को सर्कस के रिलीज होने की अनाउंसमेंट के साथ ही दर्शकों की पसंद खराब हो जाएगी। दो फिल्में पहले ही लॉक हो चुकी हैं और एक ही तारीख की अनाउंसमेंट की गई है और दोनों बड़ी रिलीज है। जी हां, मैं बता दूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का फाइनल शूट शेड्यूल शुरू होने वाला है और शूटिंग की लोकेशन लद्दाख के खूबसूरत पहाड़ों में है। इससे इतना तो तय है कि काफी जल्द टाइगर श्रॉफ फिल्म की शूटिंग खत्म करने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया पर लद्दाख में शूट लोकेशन पर अपनी क्रू और एक हैप्पी सेल्फी साझा की और कैप्शन दिया, गणपत फाइनल शेड्यूल लेट्स गो। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि ये जो शूटिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए टाइगर श्रॉफ को मेंटली और फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अभी तक टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म हीरोपंती 2 को लेकर काफी बिजी थे और लगातार प्रमोशन में भी बिजी थे। ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज हुई सिनेमाघरों में और सुपर फ्लॉप रही। अब देखना है कि टाइगर श्रॉफ के लिए कैसा होता है क्रिसमस का वीक। क्या ये फिल्म गणपत कुछ नए कारनामे करेगी बॉक्स ऑफिस पर, तो आने वाला वक्त बताएगा और डिसाइड कौन करेगा, ऑडियंस। वेल, आपको क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।